ये हमारा दुख है, सिर्फ हमारा दुख। इसलिए मैंने सबको मना कर दिया। आखिर घर की बात बाहर ना निकले जब तक बारात नहीं आ जाती। बारात निर्मला दीदी तो है ही नहीं। शादियों के बाद तुम सब जालंधर चले जाओगे। रही बात बारात की, सुखचंद की शादी परीतों के साथ, टेकचंद की शादी निकी के साथ। नहीं, नहीं। हाँ, ये मेरा फैसला है, शाहूकार दीवान चंद का फैसला। कोई भी एक लफ्ज नहीं बोले, कोई भी। शादी के बाद मैं खुद उनको बता दूंगा। बापू, ऐसा पत्थर का कलेजा का। अगर मेरी जगह तू होता ना तो तब पूछता मैं तुझसे कि कलेजा रह भी जाता है या नहीं। जवान बेटी की चिता को आग देख घर आकर दूसरी बेटी की डोली उठनी, क्योंकि मैं इसकी भी चिता को आग नहीं देना चाहता। क्या कलेजा रह जाता है बाप? नहीं। मेरी निम्मो चली, मेरी निम्मो। मेरी बच्ची, ठीक, मरने वालों के साथ अगर कोई मर सकता ना तो आज ही दुनिया खाली होती। उनको बता दो, उनको कह दो कि निर्मला दीदी अब नहीं रही है। चुप हो जा तू, देख देख तेरे बाबू ने जो किया ना वो ठीक किया, वो बेहतर समझते हैं। बस बस तू चुपचाप तैयार हो जा। क्यों, क्या मैं कोई गाय बकरी हूं? चुपचाप तैयार हो जाओ। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर रो, जितना जी में आए उतना रो, जोर जोर से रो। अगर रोने से कोई काम सीधा होता है ना तो ठीक है, मैं भी रोती हूँ। दीदी क्यों मर गई? उनका तो चेहरा भी मुझे किसी ने नहीं देखने दिया। क्या वो मर के भी इतनी प्यारी लग रही? तू चुप हो जा, तुझे इतना प्यार।
हारा ना अपनी निम्मो दीदी से, तो बस उसकी खातिर तू ठीक चल के घर चली जा। अगर तू ना गई तो समझ लेना तेरी निम्मो दीदी को मरने के बाद भी चैन नहीं आया। माँ जीजा जी है ना, मुझे पता है, सब जानती हूँ, लेकिन देख तेरी निम्मो दीदी को कितना प्यार था उससे, जानती है ना, जान देती थी उसपे, तो क्या चाहती कि वो जड़ जाए, बर्बाद हो जाए वो। देख निम्मो ने वो घर आबाद करना था, अब तू वो बस आएगी है ना। ये अपनी माँ के जुड़े हाथ देख ले तू भगवान के लिए।